जहां कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस देश के मूलवासी हम आदिवासी हैं, हिंदू और बौद्ध कहीं कहीं से आए हैं, आदिवासी और हिंदू का रीति रिवाज अलग अलग है, जनगणना में हम इस बार आदिवासी धर्म कोड की मांग करेंगे। तो बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बहस छिड़ी हुई है, बहस गर्मा रही है, लेकिन अब एक नई बहस छिड़ चुकी है। इस बार कवासी लखमा ने आदिवासी समाज को हिंदू रीति रिवाजों से कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए ये कहा है कि आदिवासी मूल निवासी है, आदिवासी ही असली है, बाकी सब तो बाद में आए हैं। हम लोग मूल हिंदुस्तान के रहने वाले मूलवासी है और हम लोग हिंदुस्तान का भगवान है, बाकी साहब हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई भी आदमी कहीं से आया है, अगर असली हिंदुस्तान का कोई है, असली बस्तर का कोई है, ये आदिवासी लोग है। आदिवासी जंगल में रहता है, जंगल का रक्षा करता है, मट्टी का, धरती का रक्षा करता है। हम लोग आज तक आदिकाल में रहने वाले लोग है। हम पूजा पाठ ज्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं, हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग। चलिए, इस खबर में हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूँ। नमस्कार। सबसे पहले धनंजय जी, आप ही से समझना चाहेंगे, कुछ ही दिन पहले सीएम भूपेश बघेल ने एक बात कही थी कि बीजेपी विद्वेष फैलाने का काम करती है, लगातार एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाया जाता है, धर्म विशेष से जुड़े तमाम बयान बीजेपी की ओर से दिए जाते हैं, लेकिन फिर आज हम कवासी लखमा का यह बयान देख रहे हैं। पहले ही धर्मांतरण पर बहस छिड़ी हुई है और अब उन्होंने एक नई बहस शुरू कर दी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कवासी लखमा के बयान को समझना चाहिए, और कवासी लखमा जी ने कोई गलत बात नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं, इसमें गलत किस बात की है। और रही बात धर्म और संस्कृति की, तो सबका अपना धर्म और संस्कृति है, आदिवासी समाज का अपना धर्म है, अपनी संस्कृति है, अपने पूजा पाठ करने का तरीका है, अपने कल्चर है, उनके अपने रीति रिवाज है, इसमें गलत कहाँ का बोलने का काम किया। धनंजय जी, अगर वो आदिवासियों के बारे में बोलते तो शायद इतना नहीं खलता, लेकिन अब उन्होंने तुलना कर दी है, इस पर बीजेपी की ओर से भी अब वार पलटवार होंगे। नहीं, तुलना की बात ही नहीं भाई, मैंने तो पहले कहा ना, मैं भी वही बात कर रहा हूँ, हर समाज का, हर धर्म का, हर जात का अपना कल्चर है, वो अपने कल्चर को मान रहे हैं और वो अपने कल्चर को मान रहे हैं, इसमें गलत क्या है। आदिवासी समाज भारत के मूल निवासी है, यही तो बात की है, उनकी अलग सांस्कृतिक बात की है, आदिवासी के अलग कल्चर की बात की है, जो आदिवासी समाज हमेशा बोलते आ रहे हैं और लगातार ये बातें होती रही है। लेकिन धनंजय जी, आपने शायद ध्यान से उनकी उस बात को नहीं समझा, उन्होंने ये भी कहा कि हम असली हैं, ये असली नकली का फर्क क्यों कर रहे हैं कवासी लखमा। उन्होंने असली नकली की बात नहीं कही है, उन्होंने कहा कि इस देश में आदिवासी जो है मूल निवासी। चलिए, एक बार फिर आपको फिर बयान सुना रहे थे धनंजय जी, एक बार फिर आप बयान सुन लीजिए पहले। जी बिल्कुल सुनाए। जी, हम लोग मूल हिंदुस्तान के रहने वाले मूलवासी है और हम लोग हिंदुस्तान का भगवान है, बाकी साहब हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई भी आदमी कहीं से आया है, अगर असली हिंदुस्तान का कोई है, असली बस्तर का कोई है, ये आदिवासी लोग है। आदिवासी जंगल में रहता है, जंगल का रक्षा करता है, मट्टी का, धरती का रक्षा करता है। हम लोग आज तक आदिकाल में रहने वाले लोग है, हम लोग जंगल में रहते हैं, हम पूजा पाठ ज्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। तो आपने सुना धनंजय जी, आपको एक बार फिर हमने इसलिए बयान सुनवाया क्योंकि उन्होंने इसमें असली होने का जिक्र भी किया है, इस पर क्या कहेंगे। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, वो तो कह रहे हैं ना भाई, वो कह रहे हैं ना कि आदिकाल से इस देश में आदिवासी है, आदिवासी का कल्चर है और आदिवासी मूल निवासी है, वही बात तो कह रहे हैं ना, इसमें गलत क्या कह रहे हैं। उनके हम पूजा करने का संस्कृति है, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, आदिवासी समाज से उनके कल्चर अपना है, उनके रीति रिवाज अपने हैं, इसमें गलत कहाँ कह रहे हैं। वो तो मैं समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हो, जो समाज है उस बात को कर रहे हैं, इसमें गलत क्या चीज हो गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को भारत का मूल निवासी नहीं मानती क्या, ये बता दे केदार गुप्ता जी अगर बैठे हैं तो। चलिए ठीक है, केदार गुप्ता जी से पूछ लेते हैं। जी केदार जी, देखिए सबसे अच्छी बात है कि कवासी लखमा अभी तक हिंदुस्तान को भूले नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले आदिवासी सबसे पुराने हैं, तो ये तो सही बात है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है और हिंदू कोई धर्म नहीं है।
कोई जात नहीं है, हिंदू संस्कृति है और हिंदुस्तान में जितने लोग रह रहे हैं वो सारे हिंदू हैं। आदिवासी भाई ही हमारे मूल निवासी है। हम निश्चित रूप से उनको आज भगवान मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो भगवान है, परंतु ये जो बार बार कहते हैं कि बौद्ध लोग बाहर से आए, अरे भाई गौतम बुद्ध के द्वारा ये धर्म शुरू किया गया। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में जो ना कहे वो कम है, जितना कह रही है मैं समझ रहा हूँ बहुत कम है। ये कुछ साल और रह गए तो पता नहीं ये क्या क्या कहेंगे, और मुझे तो बड़ा दुख है। और आप भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं कि ये राज करना चाहिए, जनता ने चुनकर भेजा है, ये जात समाज में उलझ गया। और हिंदुस्तान में अभी ये बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि इनके शब्दों में आता है हिंदुस्तान, नहीं तो पता नहीं ये क्या कह देते। और आदिवासी समाज का, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सभी लोग कहते हैं, पर मैं हिंदू धर्म की पूर्ण, हिंदू की संस्कृति की पूर्ण रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। मैं भी पूरा नहीं जानता कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो लोगों को हिंदू कहा जाता है, चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी संप्रदाय के हो, क्योंकि ये संस्कृति है, यहाँ की अपनी संस्कृति है, हम संस्कृति को मानते हैं और उस संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को इस संस्कृति को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए, हाथ जोड़कर निवेदन है। और राजनीति है, चीजें आएंगी जाएंगी, सत्ता मिलेगी, हारेंगे जीतेंगे, पर अगर देश को तोड़ने का काम, संस्कृति को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं तो मैं सब समझता हूँ कि भारत देश और हिंदुस्तान की माटी इन्हें चलिए, यानी ये कहा जाए, ये कहा जाए कि देखिए आदिवासी मूलवासी है, आदिकाल से आदिवासी है, इस बात से कोई पीछे नहीं हट सकता, सभी मानते हैं इस बात को। लेकिन अब कवासी लखमा ने चूंकि हिंदू और बौद्ध का भी जिक्र किया है, तो देखना होगा आने वाले समय पर इस पर और क्या कुछ सियासत होती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद।